हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना असाइनमेंट 8। और इस असाइनमेंट 8 में अगर देखें तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे, मतलब मैक्सिमम के सभी क्वेश्चंस ही एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 से दिए गए थे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें अल्फा की वैल्यू के बारे में भी पूछा जा रहा है। ए और बी जो ऑप्शन हैं, अल्फा की वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी रूट्स तो निकाल ही लिए होंगे इसका। ठीक है, तो एक रूट आपका -1 + √5/4 और दूसरा -1 - √5/4। तो आपको ए ऑप्शन की ज्यादा मतलब बस ए ऑप्शन मार्क करना है, बी तो आपका रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सी और डी ऑप्शन की। तो इसने क्या रखा है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, 4α³ - 3α है या फिर 4α³ + 3α, इसके बारे में हमें कमेंट करना है। तो एक तो तरीका है कि भाई आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 + √5/4 है, और अदर रूट जो बीटा था वो क्या है, -1 - √5/4 है। अब आप एक तरीका है 4α³ - 3α, आप अल्फा रखो और अल्फा रख करके कुछ निकालने जाओ। लेकिन आपको समझ में आती है बात इतनी कि अल्फा यहाँ पे रखना मतलब बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, -1 + √5/4 का होल क्यूब वगैरह करना, वैसे तो नहीं करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे समझो कि आपका अल्फा प्लस बीटा जो था, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना था, अल्फा प्लस बीटा था आपका -1/2, और अल्फा इंटू बीटा आपका कितना था, -1/4। ये बात ठीक थी। ठीक है, हमें बीटा को क्या करना है, बीटा को अल्फा के टर्म्स में रिप्लेस करना है, बस यही चाहते हैं ना, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अच्छा, बीटा की बात कर लेते हैं, अल्फा और बीटा की, तो दोनों के लिए हम कह सकते हैं ना कि भाई ये रूट्स हैं किसके, 4x² + 2x - 1 = 0 के। ठीक है, तो मतलब अपने को सेटिस्फाई भी करते होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शंस चेक करें कि 4α³ - 3α क्या रिप्रेजेंट करेगा या 4α³ + 3α क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने आपको बता ही रखा है कि हम इस हायर डिग्रीज को लोअर डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अल्फा क्यूब वगैरह जो दिखा है इसको हम लोअर ऑर्डर में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप देखिए, अपन इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। क्या आएगा, ये अल्फा आपका कॉमन आएगा, बाकी बचेगा 4α² - 3। आपको यहां से पता है ना अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब 4α² + 2α - 1 कितना है, 0 के बराबर। तो आप देख सकते हो क्या कि 4α² - 1 को आप रिप्लेस कर दो, 4α² - 1 की जगह आप क्या रख सकते हो, -2α रख सकते हो। तो यहां पे क्या आया, -2α - 2। ये बात ठीक थी, तो -2 कॉमन बचा, क्या हमारे पास α × α+1 ही बचा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको आप बेसिकली अगर मान लो इस पूरे को आप सॉल्व करो और आपके पास लास्ट में आ जाए -1/2 - α कि ये पूरी वैल्यू क्या है, -1/2 - α के बराबर है, तो आपने प्रूफ कर दिया ना ये बीटा है। या फिर ये आ जाए मान लीजिए सॉल्व करते करते -1/4α, तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, बीटा है। ठीक है, तो अब आप इसको और सिंप्लीफाई करिए, क्या बनेगा यहां से, यहां से आपके पास आ जाएगा -2α² + α। अब अल्फा को और रिड्यूस करो। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपका ये काम कब बनेगा, जब आप इसको बना दो -1/2 - α या फिर -1/4α। अल्फा स्क्वायर वगैरह यहां जब तक अपियर होता रहेगा तब तक को काम नहीं बन रहा, तो इस अल्फा स्क्वायर को और रिड्यूस करो। अल्फा स्क्वायर को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, देखो यहां से अल्फा स्क्वायर कितना बन सकता है, 1 - 2α/4 रख दो, -2 1 - 2α/4 + α, तो इसने क्या बनाया, 1 + 2α/4। ठीक है, और -2 यहां पे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 + 2α/-2, और इसने क्या दिया, -1/2 - α। यही क्या हो गया आपका, बीटा हो गया ना, फिर बेसिकली 4α³ - 3α = -1/2 - α एंड विच इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो आपका ये प्रूव हो गया कि अदर रूट आपका क्या है, 4α³ - 3α है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था इसका, ये ऑप्शन इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, मेरे ख्याल से आप ए बी ये सारे ऑप्शंस आप आसानी से निकाल पाए होंगे, क्योंकि ए और बी ऑप्शंस दोनों ही किस पे बेस्ड थे, आपका ए वाला जो कंसेप्ट होता था कि x² + 3x + 1 कैन बी रिटन एज 1 लीडिंग कोफिशिएंट इनटू x - α × x - β। एक ही कांस्टेंट नंबर हमारा 7 कहें ए ऑप्शन में और सेकंड बी ऑप्शन में कहें तो 2, ये प्रेजेंट थे। तो एक बार ए ऑप्शन के लिए आप क्या करोगे, चेक करने को एक्स की जगह 7 रख दो, और बी ऑप्शन के लिए आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे 2 रख दोगे। तो ए और बी ऑप्शंस आप लोगों में से मैक्सिमम लोग सॉल्व कर पाए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन पे।
अब सी ऑप्शन में आप क्या देखोगे, सी ऑप्शन में आप देखोगे भाई इस सबसे काम नहीं चल रहा। और अगर हम रूट्स के थ्रू सॉल्व करने जाते हैं कि वो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, पहले इसको सिंप्लीफाई वगैरह करें तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन हमें क्या चीज एक दिखेगी, अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 अल्फा प्लस 1 और बीटा स्क्वायर अपॉन 3 बीटा प्लस 1। आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्या, 3 अल्फा प्लस 1, 3 बीटा प्लस 1। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि वहां पे भी 3x प्लस 1 था। तो आप क्या यूज कर सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करें, 3 अल्फा प्लस 1 की जगह क्या रख दें, माइनस अल्फा स्क्वायर। तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 अल्फा प्लस 1, ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा माइनस 1 था ना, ठीक है। अब देखो इसको यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या बनेगा, ये नीचे वाली टर्म माइनस अल्फा स्क्वायर हो गई, तो लिखा है माइनस 1। सिमिलरली ये भी क्या लिखा है, माइनस 1, तो सम कितना हो गया, माइनस 2, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर में इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि कराए गए थे उसको ध्यान से देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रिक को यूज करने के लिए, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन में आपके पास क्या है, अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे तो अल्फा के साथ साथ बीटा भी है, बीटा के साथ साथ अल्फा भी है, इसका क्या करें, ठीक। तो ये थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे केस, क्या आप देखिए अल्फा स्क्वायर और नीचे क्या बन रहा है आपका 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, और यहाँ पे आप देखें तो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कीजिए, हम क्या ट्राई करेंगे कि हमारा ये अल्फा स्क्वायर वगैरह हट जाए, बीटा स्क्वायर वगैरह हट जाए, थोड़ी सी सिंपल सी टर्म दिखनी शुरू हो जाए। तो अल्फा स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर की जगह आप रख सकते थे ना माइनस 3 अल्फा माइनस 1 रख सकते थे, ठीक। अब आगे बढ़िए, 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा को आप क्या रख सकते थे, तो इसी तरीके से बीटा स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या रख सकता हूं, माइनस 3 बीटा रख सकता हूं, बीटा स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या रख सकता हूं, माइनस 3 बीटा, माइनस 3 बीटा और प्लस 2 बीटा कितना हो गया, माइनस बीटा हो गया। तो माइनस ऊपर नीचे सब कैंसिल, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 3 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, ये बन गया। अच्छा सिमिलरली ये वाला भी टर्म बन जाएगा, ये वाले टर्म में क्या आएगा, सिमिलर तरीके से 3 बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, ऐसा बन जाएगा क्या। अब आप इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि हम अभी अब और सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने लीनियर फॉर्म में कर ही दिया है। अब आप देखो अगर दिक्कत ये रहता कि यहाँ अल्फा है नीचे भी अल्फा है तो फिर भी कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक बीटा है, बीटा अल्फा एक साथ, अल्फा बीटा एक साथ, ऐसा है। तो अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, अल्फा बीटा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस यहाँ से क्या आएगा 3 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। अब आप वैल्यूज अपनी पुट कर दीजिए जो आप बचपन से करते आए, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ, इसमें अगर कहा जाए तो ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन जो है काफी अच्छा था। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो, ठीक है, और लेकिन आपने ज्यादा पढ़ लिख लिया तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप हर चीज में सोचने लगते हो कि क्या थ्योरी यूज करें, क्या फॉर्मूला यूज करें, नहीं सिंपल लॉजिक यूज करना था। क्या था यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 32, है ना, और दो प्राइम नंबर्स हैं अल्फा और बीटा, तो बताइए अल्फा और बीटा कौन से हो सकते हैं, दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका सम 32 हो, बताइए। तो क्या हो सकते हैं वो दो प्राइम नंबर्स, आपका एक हो सकता है 3 और 29, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 527 से तो काम चलेगा नहीं, 725 में भी प्राइम नहीं है, 923 9 ही काम का नहीं है, खैर फिर आगे बढ़ते हैं 11 की बात कर लेते हैं, 1121 वो भी काम का नहीं है, फिर आगे क्या आएगा 1319 वो एक काम का दिख रहा है, फिर आगे बढ़िए 1319 से आगे बढ़ोगे आप 1517, ठीक है 15 काम का नहीं है, फिर आगे बढ़ोगे आप कितना 1715, और लास्ट में आपके पास बस यही दो कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल हो रहे हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन, अच्छा 131 नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो हमारे पास आप देखिए कि अल्फा इंटू बीटा ही तो सी था, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, एक बार अगर रूट सी 3 और 29 थे तो 87, 1319 थे तो 247, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं था इसमें, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए यहां पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, और हमें ये कुछ एक्सप्रेशन बना करके दे दिया गया अजीब सा, और उसकी वैल्यू बतानी है।
लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये लिखा हुआ जो है हमारा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा माइनस 2 बाई ए प्लस बी। आप देखो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा, आप देखो ऊपर जो इक्वेशन दी गई है एफ एक्स की वो क्या है, उसमें भी तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है, मतलब वो सिंप्लीफिकेशन वाला जो अभी प्रोसेस हम यूज कर रहे थे वो यहाँ पे यूज हो सकता है। आप क्या करो कि अल्फा सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को, ठीक है, तो अल्फा अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, व्हिच सजेस्ट अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू कितना, यहां से आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी, ये कितना हो गया, ये भी तो ए प्लस बी हो गया सिमिलरली, तो ए प्लस बी ए प्लस बी और ये 2 अपॉन ए प्लस बी, तो आंसर कितना हो जाएगा इसके लिए, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब 0 लिख दिया ए ऑप्शन में, बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। तो आपको एफ ए निकालना तो आता ही होगा, एफ बी निकालना तो आता ही होगा, डी निकालना भी आता ही होगा, तो उसमें कुछ खास दिक्कत की बात नहीं है, बस ये दिखाना था कि ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट क्या है, 0 के बराबर है। अब आपको डी ऑप्शन मान लीजिए चेक करना है तो करिए, एफ ऑफ ए बाई टू निकालिए, एफ ऑफ ए बाई टू कितना आएगा, एफ ऑफ ए बाई टू का मतलब है ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए इन टू, एक्स की जगह ए बाई टू रख दिया प्लस 1 माइनस बी, ठीक, ये आपका एफ ए बाई टू हो गया प्लस समथिंग है ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ठीक, तो यहां से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। अपन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए आपके पास ये तो पुराना क्वेश्चन है, एफ 11 है, एफ 24 है, एफ 39 है, मतलब एक पैटर्न दे दिया गया है और हमसे ये कहा जा रहा है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 और 3 रूट्स दिए गए हैं, रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन, ठीक है, फंडामेंटल्स वाला। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आप एक फंक्शन मान लेते हो एच एक्स, क्या मानते हो उसे, एफ एक्स माइनस पैटर्न, पैटर्न क्या था आपका एक्स स्क्वायर का पैटर्न मुझे दिख रहा है, और इज इक्वल टू क्या होगा, लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट बताया गया है क्या, लीडिंग कोफिशियंट 1 है, हाँ ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबिक होगी ना, एफ एक्स थर्ड डिग्री है तो एक क्यूबिक होगी जिसके 3 रूट्स क्या क्या है, 3 रूट्स है हमारे पास एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, एफ एक्स आपका कितना आ जाएगा, एफ एक्स आपका इनफैक्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ठीक है, तो एफ एक्स यहां से निकल चुका है, आप चाहें तो आप यहां से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ 4 निकाल सकते हो एक्स की जगह 4 रख के, एफ 6 बाई 5 6 बाई 5 रख दो। सी ऑप्शन की बात की गई है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब होल्ड्स फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक बार देख लो इसको क्लब ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब आपको अगर x की वैल्यूज वगैरह रख करके जैसे ए बी ऑप्शन है तो आप यहीं से करिए, कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो c पार्ट है उसके लिए हमें इक्वेशन थोड़ा सा मतलब बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको क्लब कर रहे हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपका एफ एक्स हो गया, ठीक है। और आपको क्या करना था, आपको सी ऑप्शन में सॉल्व करना था कि ये एफ एक्स जो है हमारा इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए कितने सोल्यूशन आते हैं, कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर आगे बचा डी ऑप्शन, एफ एक्स इक्वल टू 0, 0 से 1 के बीच एक रूट रखता है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन इंटरवल 0 टू 1, तो इसके लिए भी आपका वही ऑप्शन कि एफ जैसे क्वाड्रेटिक के लिए हमने बोला ना एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन बिटवीन, तो अपन क्या करते थे एफ के 1 इंटू एफ के 2 निगेटिव है, तो यहां पे भी क्या करेंगे वही सेम चीज, एफ 0 इंटू एफ 1, यही कहा गया है ना 0 और 1 के बीच, तो k1 और k2 की जगह क्या आ गए 0 और 1 हो गए, शुड बी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कि f0 into f1 आपका नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर रूट लाई करेगा, अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो रूट लाई नहीं करेगा, ये हमारा डी ऑप्शन यहां पे एंड हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा सा है ये क्वेश्चन, हम आगे एग्जांपल्स में लेंगे लेक्चर नोट्स में, तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर गए अल्फा बीटा और उधर अल्फा 4 बीटा 4, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप फंस सकते हैं अगर आप डिस्क्रिमिनेंट के चक्कर में अटक गए तो। आप देखिए कि आपके पास अल्फा और बीटा के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको कहा गया कि अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है क्यू है, और अल्फा 4 बीटा 4 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि वो कितना है आपका वो एस है, इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है माइनस पी, और अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आपका कितना है आर के बराबर। अब अगर आप एक चीज इसमें ऑब्जर्व कर दें, ठीक है,
कि रूट्स हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव इन सबके बारे में बात की जा रही है, अगर आप एक चीज इसमें ऑब्जर्व कर दें कि आपका लीडिंग कोफिशियंट इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा है, लीडिंग कोफिशियंट इंटू एफ ऑफ जीरो। क्यों इसकी बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि जीरो से बड़ा होगा अगर रूट दोनों, या जीरो से छोटा होगा तो वन इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर जीरो इन बिटवीन लाई कर रहा होगा रूट्स के तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए वन इंटू एफ जीरो के बारे में बात कर लेते हैं। वन अच्छा पॉजिटिव अगर आ गया तो श्योर नहीं कुछ कह सकते, पॉजिटिव अगर आ गया तो हमें बाकी कंडीशंस भी लगानी पड़ेंगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये तो सफिशियंट होता है ना कि ए इंटू एफ के अगर नेगेटिव है तो पक्का इक्वेशन के दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिनके बीच में जीरो लाई किया होगा, ऐसा ही रहता है। तो हम देखते हैं वन इंटू एफ जीरो कैसा आ रहा है। वन इंटू एफ जीरो की बात करें तो ये कितना है, टू क्यू स्क्वायर माइनस आर, आपके पास कितना आया, टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, यही हो गया ना। माइनस कॉमन ले लीजिए, लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब ये क्वांटिटी कैसी है, अल्फा और बीटा आपस में अलग अलग है ना, ये जीरो तो नहीं है ना, ये ब्रैकेट अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ओवरऑल कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब अगर a इंटू एफ के निगेटिव आता है तो k जो है मतलब जीरो जो है इन बिटवीन रूट्स लाई किया होगा, दो रूट्स तो एग्जिस्ट किए ही होंगे, एक रूट जीरो से बड़ा होगा एक रूट जीरो से छोटा होगा। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट के चक्कर में फंसे तो क्वेश्चन में उलझ जाएंगे आप। ठीक है, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जो बाकी ऑप्शंस हैं अगर उसके अकॉर्डिंग आप जाएं कि जीरो हमारा एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है बी सी और डी के ऑप्शंस के लिए, तो उससे आप थोड़ा अच्छे तरीके से आंसर तुरंत निकालने में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो 13th क्वेश्चन अगर हम देखें, 13th क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें साइन के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, कुछ कुछ एक्सप्रेशंस के, तो हमें ये भी कहा गया है कि ये या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपको लिखा गया ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ग्राफ हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगा और इट इज लेस देन जीरो, मतलब कि ये रूट हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव है, मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं 13th क्वेश्चन में, कि ग्राफ लाइज इंटायरली अबव एक्स एक्सिस, ग्राफ लाइज इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, यही दो केसेस यहां पे है। इसका मतलब कि इसका डी पक्का कैसा था, नेगेटिव था, चाहे ए पॉजिटिव होगा यहां पे ए नेगेटिव होगा, लेकिन डी तो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आगे अगर आप देखिए, अब ए ऑप्शन में क्या बात की गई इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे ए ऑप्शन ने कहा, अगर मैं बात करूं एफ एक्स क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। ठीक है, और ए ऑप्शन क्या सजेस्ट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एफ वन की बात कर रहा है ना वो, और एफ वन कैसा है हमारा, ये कह रहा है पॉजिटिव है, एफ वन पॉजिटिव है। तो हमने कहा था कि अगर एक पॉइंट पे हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम थ्रू आउट कमेंट कर सकते हैं इन केसेस में। एक बार अगर हमें पता चल गया कि अगर f1 पॉजिटिव है, यही कहा गया ना, if f1 is positive then fx is greater than 0, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर f1 एक पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया तो पक्का ये वाला ग्राफ तो कैंसिल हो गया ना, यही वाला ग्राफ हो सकता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये पता चल जाएगा कि a greater than 0 है, और इसका मतलब कि fx कैसा था, greater than 0 था हमेशा। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन में हमें क्या है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये लिखा है a माइनस बी प्लस सी निगेटिव, मतलब f ऑफ माइनस वन को बोल दिया गया ना, ये f ऑफ माइनस वन निगेटिव है, अगर एक बार निगेटिव हो गया तो हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव ही रहेगा, तो एफ एक्स लेस देन जीरो यहां से प्रूव आप कर सकते हो। सी ऑप्शन की बात करो, सी ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, a माइनस टू बी प्लस फोर सी, a माइनस टू बी प्लस फोर सी, थोड़ा सा चेंज हो गया ना, यहाँ c था यहाँ 4c था, कैसे आ गया, तो फिर हम पहले 4 को कॉमन लेंगे, क्या बनाएंगे, a by 4 minus b by 2 plus c। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 times f of minus half। अब अगर हमें ये पता चलता है कि ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, ऐसा बोला गया ना सी ऑप्शन में, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो अगर f of minus half पॉजिटिव है तो f of x भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, अगर एक बार पॉजिटिव हो गया तो इसका कैंसिल ऑप्शन, और यही ग्राफ फिर एग्जिस्ट कर सकता है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन में हमें क्या कहा गया, a into c is positive। ठीक है, तो a into c का मतलब क्या होगा, a into c का मतलब है कि आप देखो यहां पे इस केस की बात करो तो a भी कैसा है, पॉजिटिव है, और c भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, ग्राफ हमेशा ही पॉजिटिव है, तो y इंटरसेप्ट जो आएगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा।
तो ए और सी दोनों यहां पॉजिटिव है, यहां पे बात करें तो ए और सी दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन में आपका ए सी पॉजिटिव जो है ये वाली बात भी करेक्ट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 में, अच्छा अब इस बार क्या कहा गया, तीन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और उनका सम जीरो है, तो उनका सम जीरो कब हो सकता है, जबकि एफ अल्फा एफ बीटा और एफ गामा तीनों ही कैसे हो जाएं, जीरो के बराबर हो जाएं। तो अगर ये तीनों ही जीरो के बराबर होंगे तो यही रूट्स हो गए ना हमारे, अल्फा बीटा और गामा हमारे रूट्स हो गए। फिर से वही बात है कि एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू अगर नेगेटिव कहा गया तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि एक्स वन और एक्स टू के बीच में एक रूट लाई किया होगा। इसी तरीके से एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में एक रूट लाई किया होगा, ये भी बात ठीक थी। ठीक है, तो x1 और x2 के बीच में एक रूट है और इसी तरीके से fx2 fx3 के नेगेटिव होने का मतलब है कि x2 और x3 के बीच में एक रूट है। उसके बाद हमें fx1 into fx3 greater than 0 दे दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारा fx1 और मतलब x1 और x3 के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, वहां से तो कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है जब ग्रेटर देन जीरो वाला केस हो जाता था। तो यहां पे हमें क्या पता चला कि एक रूट इसके बीच में, एक रूट इसके बीच में, और क्या कमेंट कर दें हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो अब ए ऑप्शन में क्या लिखा गया है, ए ऑप्शन में है हमारा x1 से x2 के बीच में अल्फा लाई करता है, बिल्कुल ठीक। बीटा कहां लाई करता है, उसके बाद है, अल्फा से बड़ा है बीटा, तो वो कहां लाई करेगा, x2 से x3 के बीच में। और गामा कहां जाएगा फिर, गामा फिर हमारा देखिए जब से पहले वाले जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दे रखी है क्या है वहां पे, अल्फा बीटा गामा लेस देन x4, तो x3 और x4 के बीच ही में फिर ऑप्शन बचता है किसका, गामा का। ठीक है, एक रूट हमारा x2 और x3 के बीच में है, एक रूट हमारा x1 और x2 के बीच में है, तो आगे कहां पे जाएगा फिर, x3 और x4 के बीच में गामा आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर आपको क्या पता चला बी ऑप्शन में, अल्फा बिलोंग्स टू x1 से x3, बीटा गामा इन x3 से x4, नहीं गलत है ना, बीटा तो हमारा x2 और x3 के बीच में लाई करता है। सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में गामा को x4 से बड़ा दिखा दिया गया है, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर डी ऑप्शन की बात करें तो ये सही है, क्यों, क्योंकि भाई जो चीज़ 1 और 5 के बीच में लाई करती है वो तो 1 और 10 के बीच में भी लाई करेगी ना, हम बोल सकते हैं ना, जैसे x1 और x2 के बीच में अल्फा है, आपको ऐसा बोला गया कि अल्फा जो है आपका x1 और x2 के बीच में है और x3 कहीं यहाँ था, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ये अल्फा जो है x1 x2 के बीच में भी है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये x1 और x3 के बीच में भी है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सिमिलर स्टेटमेंट इसने गामा के लिए भी दिया, तो बेसिक स्टेटमेंट अगर हम कहें जो 14 से आपको डिड्यूस करना था वो था ए, उसके बेसिस पे हमारा डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा 15th क्वेश्चन में हमें अभी तो एफ डैश की बात की गई है, एफ डैश के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो 15th क्वेश्चन अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा बहुत जब ग्राफ का आइडिया लेंगे तो वहां पे हम 15th वाला केस डिस्कस कर सकेंगे फिर। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कहा गया, 3 अपॉन एक्स माइनस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 4, ये हमारा एफ एक्स है और एफ एक्स इक्वल टू 0 के बारे में हमें कमेंट करना है। ठीक, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एलसीएम लें, तो आपके पास क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, 4 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 और इसी तरीके से 5 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 is equal to 0, यही आपके आएंगे equation, एक quadratic बन गई। अब इस quadratic के लिए हमारे पास कितने root exist करेंगे, तो आप देखो क्या करो, आप ये fx है ना, ये question हमने किया हुआ है इस तरीके का, a less than b less than c less than d, इस तरीके का question किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके का question है कि आप इन्हीं में values में से कुछ club करके देखते जाओ। जैसे ये अगर fx है मेरा, तो f3 देखो, f3 के लिए क्या होगा, f3 के लिए ये term 0, ये term 0, बचा क्या ये, तो ये कैसा होगा, देखो 3 माइनस 2 3 माइनस 4 निगेटिव हो गया ना, तो इसका मतलब F3 कैसा है, निगेटिव है। फिर इसी तरीके से आप देख लो एक बार को, F2 कैसा है, F2 आपका कैसा है, तो F2 आपका ये टर्म 0 ये टर्म 0, बचा यहां से निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो F2 पॉजिटिव है, F3 निगेटिव है, तो एक रूट कहां लाई किया होगा, 2 और 3 के बीच में लाई किया होगा। इसी तरीके से आप F4 भी देख लो, F4 अगर आप देखोगे तो वो कैसा आएगा, F4 आपका ये टर्म 0 ये टर्म 0, बचा कितना, यही वाला पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, तो F4 भी कैसा है आपका, पॉजिटिव है।
तो F2 पॉजिटिव, F3 नेगेटिव, F4 पॉजिटिव, तो मतलब एक और रूट कहां पे लाई किया, 3 और 4 के बीच में, तो एक रूट 2 3 के बीच में, एक रूट 3 4 के बीच में, इसलिए हमारे ऑप्शंस ए और बी सही हो गए। इस तरीके का क्वेश्चन हमने नोट्स में कर रखा है। अब इस यार ए बी सी डी की जगह पे हमारे पास 2 3 4 दे दिया गया है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18th क्वेश्चन आप ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हो, ठीक है, तो इसमें कोई खास दिक्कत की बात है नहीं है, तो आपने नोट्स में वैसे भी सॉल्व किया ही था, थोड़ा सा बल्कि कहें तो चेंज था, ठीक है। तो चलिए हम इस बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन में अगर आप कहें एग्जैक्टली एक रूट हमारा कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे कॉमन रूट निकालने के लिए, क्योंकि हमें बता दिया गया ना कि कॉमन रूट है तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं अल्टरनेट वाला। तो हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट कैंसिल आउट कर दिए, एक्स के साथ बचा हमारे पास बी माइनस सी और साथ में यहाँ पे है सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बी माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1/a, ठीक है, एक्स हमारा 1/a के बराबर है, तो कॉमन रूट क्या हो गया 1/a। अब आप खुद बताओ अगर इसका एक रूट 1/a है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी है तो दूसरा रूट क्या रहा होगा, ए सी। इसी तरीके से इसका भी एक रूट 1/a है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बी है तो दूसरा रूट क्या रहा होगा, ए बी। तो इक्वेशन क्या बनेगी अगर रूट से, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कई लोगों का ये वाला ऑप्शन भी आ गया होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम बाकी ऑप्शन में कैसे कन्वर्ट करें इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ठीक। तो अब देखिए आप किस तरीके से आप बाकी ऑप्शन से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाकी ऑप्शन जो बचे हुए उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप क्या देख सकते हैं कि इसका अगर मैं 1/a इधर भेज दूं, ठीक है, मतलब a से इसको पूरे को डिवाइड कर दूं, तो आपके पास क्या आएगा 1/a एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा बी प्लस सी एक्स प्लस कितना आएगा ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको ऑप्शन दिखने शुरू हुए क्या, ए बी सी कम से कम आपने बना लिया। हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके से ए से डिवाइड करने का क्यों था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें देखिए कांस्टेंट टर्म की जगह ए बी सी है, तो ए से मैंने डिवाइड कर लिया है पूरी इक्वेशन को। और क्या चेंजेस हैं, तो आप देखिए सी और डी ऑप्शंस में, सी और डी ऑप्शंस में आपके पास बी प्लस सी भी आपका दिखने, ऑप्शन भी इसमें आप देखिए एक्स का कोफिशियंट भी आपको दिखने लगा है, लेकिन अभी एक एक्स्ट्रा टर्म बची हुई है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसमें अभी दिक्कत है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या कि यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ए सी और 1/a, अगर ये दोनों हमारे रूट्स हैं तो हम यहां से क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, ए सी प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना, माइनस ए बी, ठीक है। आप ये कह सकते हो ना ए सी प्लस 1/a इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। तो आप देखो 1/a की जगह आप क्या रख दोगे, आप रख दोगे माइनस ए बी माइनस ए सी, तो इसको उठा के यहां रख दो, माइनस ए बी प्लस ए सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिखो या जैसे भी चाहो लिख सकते हो, सॉरी ए बी नहीं, ए बी सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। अब हम बात करते हैं 19 की। 19th क्वेश्चन में क्या है, 19th क्वेश्चन में द इक्वेशन हैज इरेशनल रूट्स, तो आप निकाल सकते हो ना रूट्स क्या है। फिर हम बात करते हैं S2 में, S2 में हमारे पास बिल्कुल वही सेम स्टेटमेंट है, ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, डी रखिए, है ना, और उसके बेसिस पे हमें कमेंट करना है। ये क्वेश्चन हमने नोट्स में कर रखा है तो वापस से इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। S3 जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, ये दो रूट्स हैं, सॉरी दो इक्वेशंस हैं, उनके बीच कॉमन रूट, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको अगर आप देखें तो आपका जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है S3 में, उसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी हैं, तो दोनों ही रूट्स कॉमन होने चाहिए। ये बात हमने कही थी कि इसका मतलब हो गया S3 में कि S3 के लिए हम बोल सकते हैं ना कि बोथ रूट्स आर कॉमन, और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों रूट्स कैसे थे, कॉमन थे। तो दोनों रूट्स अगर कॉमन थे तो इसका मतलब कि जो कोफिशियंट्स का रेशियो है वो आपस में बराबर आएगा, तो a बाई 1 इज इक्वल टू कितना होगा, b बाई 3 इज इक्वल टू कितना होगा, c बाई 5, ठीक है। अब मैंने हमेशा क्या कहा है कि अगर इस तरीके की इक्वालिटी दिखे तो आगे k लगा लो, तो a प्लस बी प्लस सी यहां से आपको कितना दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी आपको दिख रहा है 9k, ठीक। और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो k की मिनिमम वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, दैट मीन्स भाई नेचुरल नंबर चाहिए थे ना एबीसी,
तो इसलिए k की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तो a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 9, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मिनिमम वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की 9 होनी चाहिए, इसका मतलब एस थ्री भी कैसा है, रॉन्ग है। फिर हम बात करते हैं एस फोर की। एस फोर में आप देखो, ये हमारा टिपिकल फंडामेंटल्स वाला क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, यही कर दे, और क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो गया 4 और माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या करते हैं हम, ये जो हमने इक्वेशन बनाई इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर होता है। तो आपको क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना है इक्वेशन को, जो रिमाइंडर बचेगा दैट शुड बी आवर रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आप फंडामेंटल्स में इस चीज को ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप देखिए तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था, ठीक है, कुछ ऑप्शंस इसमें से नए आ गए हैं बस। तो अगर आपको ए और बी की वैल्यूज पता चल जाई हैं, ऑप्शन जो हमने नोट्स में किया था उसमें ए और बी दोनों ही हमने निकाल रखे थे, तो अगर आपने ए और बी निकाल लिए तो फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, सारे ऑप्शन आपके निकाले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, असाइनमेंट इनफैक्ट डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं असाइनमेंट 9। थैंक यू।